ये क्या बदतमीजी है, किसी लड़की के रूम में ऐसे बिना नॉक किए कैसे आ गए आप? और ये दरवाजा क्यों लॉक कर रहा है? ये है आपके मैनर्स? क्यों आई हो तुम यहाँ पे? जब मैंने तुम्हें ऑर्डर्स दिए थे कि वापस मत आना, तो क्यों आई हो तुम? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आपके ये क्यों का जवाब नहीं है तो? जवाब तो? How dare you? डेर तो तुम कर रही हो मिस डांसर। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि वापस मत आना, तो फिर क्यों आई हो तुम? I am also not answerable to you. मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती। एम्प्लॉय हूं, गुलाम नहीं। मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये तय करने का हक आपको किसने दिया? हाँ, होते कौन है आप मेरे मिस्टर मिस्टर एम? हाँ, दोस्त, रिश्तेदार, शुभचिंतक है कौन आप? हाँ बोलो, आप हो कौन, बोलिए ना। हूँ मैं वेलविशर। शुभचिंतक हूँ, अपने भाई का। इसलिए चाहता हूं कि तुम उससे दूर रहो। तो उसे समझाइए ना कि मुझसे दूर रहे, कि ये ऑर्डर्स मत फेंके मुझ पर। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, कान खोलकर सुन लो। मेरे भाई से दूर रहो तुम। मैं तो वही के वही हूँ। पास तो वो आ रहा है, ये धमकी ना अपने भाई को दीजिए। समझ रहा हूँ मैं, ये जो खेल खेल रही हो ना तुम। मैं कौन से खेल खेल रही हूँ? पर आपके भाई के साथ क्यों खेल खेलूंगी? ये तो है, मासूम है, नादान है। तो मैं क्या शातिर, बैतरेबाज? गुमराह कर रही हो ना उसे, अपने प्यार में फंसा रही हो ना उसे, तुम उसके इर्द गिर्द रहकर नचा रही हो ना उसे, अपनी अदाओं पे, अपने इशारों पे। इतनी घटिया सोच के अलावा और कोई उम्मीद भी क्या कर सकता है आपसे? जितने बड़े आदमी उतनी ये छोटी सोच। हाँ छोटी है मेरी सोच, वो मैं छोटा आदमी, बस तुम ही महान हो। एक काम करो ना, एक एहसान कर दो मुझ जैसी छोटी सोच वाले इंसान पर। चली जाओ ना यहाँ से। क्यों यहाँ पे? जाओ यहाँ से, जाओ। You know what? मुझे आप पे गुस्सा नहीं आता, तरस आता है आप। तरस तो मुझे भी तुम पे आता है, तुम पे और तुम्हारी डेस्परेशन पे मिस डांसर। तुम भोलेपन में जो ये हिपता हुआ खेल खेल रही हो ना तुम, वो मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। एंड माइंड यू, तुम्हें ना मैं ये खेल नहीं खेलने दूंगा। समझ में आया तुम्हें? निकलना तो तुम्हें है ही यहाँ से, आज नहीं तो कल जाना तो पड़ेगा ही। सीधी उंगली से ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन अब लगता है ना कि उंगली टेढ़ी करके ही घी निकालना पड़ेगा। आई विल गेट यू out of here. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा, जिस दिन निकलोगी ना उस दिन फर्क पड़ेगा तुम्हें।
क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं इसे? ब्यूटी, ये क्या कर रही है? अगर उसने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पर ये रिस्क उठाकर भी मुझे शांतनु को मिलना ही होगा, सच्चाई बतानी होगी। वो एक ही है जो मेरी मदद कर सकता है। मोहतरमा यहाँ क्यों आ गई? पता नहीं सर, कैसे नमस्कार मजूमदार जी। कभी सोचा था मुझे ऐसे देखेंगे, ऐसे मिलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस पंडाल का मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाने का। लेकिन आप तो बैनर्जी बाबू की पार्टी की ओर से प्रतिनिधि हैं। वो किसी कारणवश आ नहीं सके, इसीलिए मैं चली आई। अब ऐसा मौका मैं कैसे छोड़ सकती थी? ये ब्यूटी यहाँ पे क्या कर रही है? नेता बनके हमसे बदला तो नहीं लेगी ना भाभी? पता नहीं किछु झामेला ना क्रिएट करे बसे। ये बैनर्जी बाबू को चीफ गेस्ट बनाने का आइडिया सर का एकदम एकदम ठीक नहीं था, लेकिन सर कब किसकी सुनते हैं। ब्यूटी जी आई हैं, स्वागत कीजिए इनका, चीफ गेस्ट है वो। चीफ गेस्ट? ये चीफ गेस्ट कम, चीफ गेस्ट ज्यादा लग रही है। विदाई जी। हमारी जैसी औरतें बाजार की रोशनी बन सकती हैं। घर का दिया नहीं, लायक नहीं हो तुम बहू बनने के। तुम जैसियों को घर के बाहर उठाकर फेंका जाता है। ऐसे अरे
अरे रे 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 नमस्कार 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आप लोगों को तो पता ही होगा ना कि मैं अपने सोशल वर्क में कितना बिजी रहती हूँ, थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल पाती मैं सोशल वर्क। लेकिन जब ये इनविटेशन मुझे इस रविंद्र मजूमदार जब मुझे ये इनविटेशन इस मजूमदार खानदान से मिला ना तो मैं ठुकरा ही नहीं सकी। वो क्या है ना, बड़े ही पुराने ताल्लुकात हैं इनके साथ हमारे, अब ऐसे कैसे ठुकरा सकती थी मैं। सही कहा ना मैंने मजूमदार जी, वो क्या है ना, इतना प्यार और सम्मान दिया है ना इन्होंने मुझे कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको वही प्यार और सम्मान बहुत ही प्यार से लौटा दूं। वो क्या है ना, मेरी एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही बुरी आदत है कि जिससे जितना लो ना उसे उतने ही सूद समेत के साथ वापस लौटा दूं। और वैसे भी ये तो मेरे अपने हैं। शान जी सर, इन्हें कल्चरल एरिया में ले जाइए। आइए आइए आइए, डीएसपी राणे साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे बुलाने पर मुंबई से यहाँ चले आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए विजय आइए। सर अश्मिता जी कहीं नजर नहीं आ रही है। गुड, अंडरकवर एजेंट का ना दिखना इज अ गुड साइन। कम, ये मौका नहीं छोड़ सकती, किसी तरह शांतनु तक पहुंचना ही होगा। बताना होगा उसे कि 20 साल से क्या परेशानी खाए जा रही मुझे। एक वही है जो ये राज सुलझाएगा, एक वो और एक पुचकी, पर पता नहीं वो बच्ची कहाँ। तो अब वक्त आ गया उस स्पेशल परफॉर्मेंस का बाय नन अदर देन मिस अस्मिता कुमारी। तो स्वागत करते हैं हम हमारे इस आर्टिस्ट का तालियों की गड़गड़ाहट से, तालियां। अरे रुको तो सही। अरे मुझे क्यों रोक रही हो, मुझे नहीं देखना ये नचनिया का नाच। अभी तो तमाशे पे तमाशा होने वाला है। मतलब जस्ट वेट एंड वॉच डार्लिंग। बताओ ना क्या किया तुमने। बदला लिया है बदला। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी में कभी भी मेरे पति पे डोरे डालने की हिम्मत भी नहीं करेगी ये। तुम्हारी बेइज्जती का बदला इसकी इज्जत उतार के लेगी मौसम। मजा तो तब आएगा जब बीच बाजार इसकी कपड़े फटेंगे।
अरे मुरली, ये वो लड़की नहीं है जो हमें हॉस्पिटल में मिली थी? ये तो वही है। यहाँ क्या कर रही है? मॉम, मॉम, मॉम। और जिया।